रमेश कहाँ जा रहे हो? मेडिकल के लिए जा रहे हैं, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क। दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क DIP जा रहे हैं हम मेडिकल के लिए। हम दो ही इंडियन एंड नेपाली हैं और सारे अलग अलग कंट्री के लोग हैं। सो बेसिकली हम जा रहे हैं मेडिकल के लिए और ये मेडिकल रूटीन चेकअप है, जस्ट नॉर्मल। तो फिलहाल जा रहे हैं और फिर मिलते हैं वहाँ पर। अभी ड्यूटी से आया हूँ और ड्यूटी फिनिश नहीं करी है, बट ब्लॉग चालू है। तुर्की से और पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। कई सारे लोग आ रहे थे पहले से और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर अंदर। मेडिकल होगा, मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्टूल देना पड़ेगा और सब कुछ उसमें आ जाएगा। हमारे पेट में, दिमाग में, शरीर में जो भी कमियाँ हैं सब कुछ आ जाएगा। तो लेट्स गेट इन टू द हॉस्पिटल एंड देन विल चेक व्हाट विल हैपन। मास्क पहनना ज़रूरी है, कोविड तो चला गया बट पुलिस ने देखा तो फाइन पड़ सकता है, इसलिए एक पेपर है उसको देना है और स्टूल टेस्ट देना है। A few inches later. So, मेडिकल हो चुका है और स्टूल दे दिया है अपना। तो मैं जाऊंगा अब यहाँ से अल-फ़ायदी स्टेशन, जो कि यहाँ से आधा घंटा दूर है, और वहाँ मुझे जाना अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए जो कि एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ। सो हम पहुँच चुके हैं अल-फ़ायदी स्टेशन पे और ये सामने है डे टू डे। तो यहाँ पे थोड़ा चलते हैं अंदर और थोड़ा सा शॉपिंग करना है। तो चलते हैं अंदर और ये सारा यहाँ का व्यू आप देख रहे हैं, पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक है और बस ट्रैफिक हर समय लगा ही रहता है। सो चलिए अंदर चलते हैं और थोड़ा सामान लेता हूँ अपने लिए। तो मैं पहुंच चुका हूं BLS ऑफिस में, जो कि अल-फ़ायदी में है। और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो या आपको नया बनाना हो तो यहां से आप बना सकते हैं, और थोड़े पैसे लगते हैं और कुछ दिन का टाइम लगता है, उसमें आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है। सो लेट्स सी मेरा नंबर कब तक आता है। लगभग एक घंटा लगेगा और ये सामने TV स्क्रीन है जहाँ पर मेरा नंबर आएगा। सो मेरे पास फ़ोटो नहीं थी और मैंने अभी फ़ोटो खिंचाई है, 5-6 फ़ोटो खींची है 40 दिरहम में। इसकी ज़रूरत है थोड़ी सी अभी, तो इसलिए मैंने खिंचवाई है अभी। पासपोर्ट का काम पूरा हो चुका है, रात हो चुकी है और काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं। अब रूम पे पहुँचता हूँ, उसके बाद आराम से मिलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। ड्यूटी भी करी और मेडिकल भी, ऊपर से थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली है और पासपोर्ट का काम भी कर लिया। तो फिलहाल पहले रूम पर पहुँचता हूँ और उसके बाद आराम से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, भूख भी लग रही है।
के बज रहे हैं अभी 1, और वैसे मेरी ड्यूटी फिनिश होती है 3 बजे। थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, रात को जब मैं आया अपना पासपोर्ट रिन्यू करके, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करी थी, तो रात को आने के बाद रूम पे थोड़ा मेरे कान में जो है दर्द होने लग गया था, पेन हो रहा था। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कान में जो ईयर ड्रम है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दो तीन महीने में क्रिएट करते रहता है। सो, कल दोबारा से पेन हुआ रात को, और अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। सो, फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपना कान दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, और साथ साथ एक दूसरा काम जो कल नहीं हो पाया बालों का, तो वो भी करूँगा, सैलून जाने वाला हूँ साथ साथ, और थोड़ा ग्रोसरी का आइटम वो भी ले आऊँगा। सो, तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, JBR से जा रहा हूँ डिस्कवरी गार्डन, जो कि 20 मिनट तक लगेगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बस से। नंबर है 2:15 का, और अभी 2 बज रहे हैं, 15 मिनट है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम सेव कर लेता हूँ, ग्रोसरी का काम जो है वो कर लेता हूँ, राशन वगैरह जो लेना है निपटा लेता हूँ। लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलता है। वैसे तो मुझे जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, और अब की बार मुझे पता है एंटीबायोटिक दिया जाएगा। सो, इट्स ओके, बट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कान का जो पेन होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। सो गाइस, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेफ़ की सीरीज़ में जो मैंने वीडियो डाला। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, जाइए शेफ़ सीरीज़ में जाइए, और चेक करिए मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहा हूँ मैं उसमें शेफ़ से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो गो एंड चेक आउट। सो, अभी फ़िलहाल मैं सारे काम कराता हूँ, डॉक्टर के पास जाके बाल कटवा के, उसके बाद आपको मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया तो डू लाइक और शेयर करिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है देसी ब्लॉगर। सो गाइस, सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।